हेलो दोस्तों, स्टार बिग जंप टेस्ट अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें रेलवे के जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी मैं कराने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, उसको देखते हुए मैं यह वन लाइनर क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय ना स्टार्ट कर लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्फैग्नोमीटर मापता है रक्तचाप को। किसको मापता है? रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव किसकी इकाई है? न्यूटन प्रति मीटर की है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, अल्फ्रेड नोबेल था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, यानी टीबी यक्ष्मा के लिए? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। दिन के समय पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर टाका मिश्र धातु है, टिन और शीशा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडान। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होती है क्योंकि उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। रात में क्या पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही अपने दृष्टि से देख पाते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है प्यारे दोस्तों, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे देखते रहिए। आइए देखते हैं, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। भूकंपीय तरंगे की रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणिक प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? टोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में स्थित होती हैं। देखिए, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है दोस्तों, और यह पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं उसी को वन लाइनर के रूप में करा रहा हूँ, और इसमें खास बात यह है कि इसमें आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स के रूप में भी देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान से। और जानते हैं 30 नंबर का प्रश्न, यानी 30 नंबर आप लोगों के एग्जाम में बहुत मायने रखता है। और जो मैं कराने वाला हूँ इसमें लगभग आप लोगों के सभी नंबर्स मैं अटेम्प्ट करवा दूंगा। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देती है, भूरी। कैसी दिखाई देती है? भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गति एवं स्थिति दोनों ऊर्जा, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। काइनेटिक किसको कहते हैं? गतिज ऊर्जा को। और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा को। तो आइए देखते हैं आगे। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस हो जाता है उन लोगों को। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, बिना शल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैटफिश कहते हैं। यहाँ शुल्क लिखा है, गलत है। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे बड़े महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन है, पैराफीन या पैराथीन बोला जाता है इसको। हाइग्रो
मीटर से क्या आप मापा जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सी गैस का अवशोषण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आइए देखते हैं आगे। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी स्थिर पर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वाय बल सक्रिय न हो, यानी क्रिया न कर रहा हो। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम। यानी चलती हुई गाड़ी को अगर किसी को धक्का ना दे, ऐसा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा पिछले वाले क्लासों में। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, चार गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, कूलाम होता है। एक किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक के थे, यानी खोजकर्ता कौन थे, रोएंटजन थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, गति। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए किरणें पार नहीं कर सकती हैं अस्थि को। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायप्टर। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, श्वसन क्रिया। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.4610^15 मीटर या 9.4612 किलोमीटर के बराबर होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाप मापने के लिए। हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता होता है फ्लोरीन का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वीडियो तक लास्ट बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की कण का त्वरण क्या होता है, समान होता है। खाद्य ऊर्जा इससे किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, बादिरों फायराड बादिरों को, यानी जो सुन नहीं पाते हैं उन्हें हम डेक्टेरियोलॉजी के माध्यम से विचार विमर्श करने का एक सरल डिजिटल होता है, यानी यंत्र होता है। फायराडे की इकाई क्या होती है, धारिता। फायराडे किसकी इकाई है, धारिता की, सॉरी। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, टिटनेस। और रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है, बी ग्रुप। अच्छा ये बताइए, सर्वग्राही बी है और सर्वदाता ओ। सर्वदाता यानी डोनर किसको कहेंगे, ओ को। एक्सेप्टर किसको कहेंगे, बी ग्रुप को। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है, 72 होती है। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को देखने को पहली बार मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और वीडियो लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किसी की कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कैट्रैक्टर सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकालता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर तरह की चट्टान है या औषधीय चट्टान है। एक AC जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, इसकी पकड़ तब होगी जब, कब होगी। पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। देखिए इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट, ठीक है, जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल
का प्लग ठंडा होगा और स्टील की प्लेट क्या होगी, गर्म होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, सी ओ सी एल। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है, पीला रंग। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है, पोटेशियम फास्फेट होता है, आप लोग को मालूम होगा। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरो फार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, इथिलीन का। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। Ag किससे प्रदर्शित करते हैं चांदी को, Ag। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कैंसर में। हाइलोजन को कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं समानांतर। अक्रिय गैस परमाणुओं से बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं वीडियो में जो भी प्रश्न आते हैं। एक चलती हुई कार, एक रेल इंजन, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, -40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पर। DNA के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न विनाश किया जाता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए के लिए होता है, दो पटरियों के जोड़ने के लिए होता है। चलिए रेलवे का प्रश्न है, रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी रेलवे के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भौतिक शास्त्र में 1930 में। समुद्र मील किसकी दूरी की इकाई है, नौहन के। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, सूर्य आ जाए। आकाश नीला दिखाई पड़ता है कब, वायुमंडल अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। चलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिए आगे देखते हैं। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, केशिका तत्व के कारण। मृदु विज्ञान किसका अध्ययन है, मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः बृहस्पति बुध तथा शुक्र है। सौरमंडल में सबसे क्षुद्रतम यानी सबसे बड़े ग्रह सर्वाधिक चमकीला दिखाई देते हैं, कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, बुध है एवं शुक्र है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, हार्मोन का निर्माण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, देखिए 27 पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा तब आयतन को स्थिर रखा जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस पर। यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम और अवधि के साथ अधिकतम वेग है तो टी 1/T के बराबर। एक कूलाम आवेश बराबर है 6.2510 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी ऋणावेशित होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। संघनित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है, फैराडे। परास्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 4 एंगस्ट्रॉम। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, दाब की बीमा क्या होगी, ML^-1 T^-2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के।
एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक, और रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं प्रकाश तरंगों के वेग हैं बराबर। एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7 है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा, कॉनकेव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वही है। शरीर में के अधिक आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर तब मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जीजे थॉमसन ने। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। ठीक है, अगर ये आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्यारे दोस्तों चैनल को जरूर से ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे देखते हैं, देखिए सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली कौन सी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण किसका आवश्यकता होता है? जल का। इस विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह कौन सा है? पारिस्थितिक। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित बना रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जी का मान क्या होता है? जी का इकाई क्या होता है? देखिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जी की इकाई पूछा है तो मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुवों पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन। बैरोमीटर का उपयोग है वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है तापक्रम पर। न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। अल्फांसो है आम का एक प्रकार। तो दोस्तों वीडियो तक लास्ट तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे देखते हैं, अगर आप इसी तरह बने रहते हैं, आपका प्यार मिलता रहता है वीडियो पर, तो आगे हम लोग और इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन करने वाले हैं। और यह रेलवे और SSC के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप बने रहिए। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।